स्टार्ट। तो दोस्तों ये बजाज की पल्सर 125 BS6 वाली बाइक है, और BS6 125 जो बजाज की पल्सर बाइक आती है इसमें कार्बोरेटर लगा हुआ होता है, और जब भी माइलेज की समस्या आ जाती है तो हम कार्बोरेटर के ज़रिए से हम इस बाइक के माइलेज को सुधार कर सकते हैं। हालांकि गड़बड़ी ज़रूरी नहीं कि कार्बोरेटर में ही हुआ हो, इस बाइक की माइलेज में गड़बड़ी थी तो किसी मतलब एक दो मिस्त्री ने जो है कार्बोरेटर का जो एयर स्क्रू है उसको छेड़छाड़ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने हमारे पास जो एक माइलेज ये हमारे पास जो RPM टैकोमीटर है उसके थ्रू मैं माइलेज इसका सेट करूँ, जो काफ़ी अच्छी हद तक जो है मतलब उससे माइलेज सेट हो जाती है। मैंने बहुत सारे बाइक का माइलेज में सुधार लाया है, जिस बाइक की जो बाइक पेट्रोल ज़्यादा पीता है तो मैंने RPM टैकोमीटर के ज़रिए से मैंने उसको सुधार किया है। तो चलिए मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि पल्सर 125 cc बाइक का माइलेज सेट कैसे करना है, एवरेज कैसे बढ़ाना है इस बाइक का। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं फ्यूल कॉक भी है इसमें, और यहाँ पे कार्बोरेटर लगा हुआ है देख सकते हैं। हालांकि ये 150 cc में आपको नहीं मिलेगी, 150 में आपको नहीं मिलता है कार्बोरेटर, FI वाला होता है वो, जो कि थ्रोटल बॉडी लगा हुआ होता है। यहाँ पे जो आप देखेंगे कि स्क्रू मिलता है ऊपर, ये देखिए इसे मुझे खोलना पड़ता है। तो मैंने इसे बाहर निकाला इस बोल्ट को, अब अंदर में एयर स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू स्क्रू ड्राइवर के जरिए से मैं इसे खोलना होता है। अगर आपने ये स्क्रू ड्राइवर अभी तक नहीं लिया है तो आप ज़रूर ले लें, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारे टूल्स का लिंक दे रखा है। ये जो होता है ये तपारिया कंपनी की तरफ से आता है, ठीक है, तो आप ये स्क्रू ड्राइवर लेना चाहें तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इसका एयर स्क्रू दिया हुआ है, इसी एयर स्क्रू को मैं सेट करना है। लेकिन इससे पहले मैं बाइक को स्टार्ट करूँगा और इंजन को गर्म करूँगा। इंजन गर्म कर लेना है तभी आप एयर स्क्रू को सेट कीजिए। RPM टैकोमीटर लगा दिया है सर। तो मैंने RPM टैकोमीटर लगा दिया, अभी RPM जो है इस बाइक का 900 प्लस है, 900 के आसपास में इंजन दौड़ रहा है। अब देखिए यहाँ हमें उस साइड से पहले इसका जो है RPM स्पीड बढ़ाना है, उसके बाद हम यहाँ से चढ़ करेंगे। RPM स्क्रू आपको उस साइड में मिलेगी, ये RPM स्क्रू है भाई, कैसे होगा। ये प्लास्टिक का कवर मैंने बाहर निकाल दिया, अब देखते हैं पेचकस इसमें लगता है कि नहीं। हाँ लग तो गया, चलो हम इतना ही स्पीड रखेंगे, अब उधर से एयर स्क्रू को सेट करना है। इस बाइक का माइलेज सेट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको ये RPM टैकोमीटर ही चाहिए, इसमें भी RPM एक मशीन लगा हुआ है यहाँ पे जो इंजन का स्पीड बताता है। ये RPM मीटर ही है, जिस तरह की ये काम कर रहा है उसी तरीके से वो भी काम करता है। लेकिन मैं इसको इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे सामने रहेगा और मैं आपको भी दिखा सकूँ। BS3 BS4 की तरह काम नहीं करता इसका एयर स्क्रू, देख रहे हैं कुछ भी आगे पीछे नहीं हो रहा है। मैं फुल टाइट करता हूँ तभी जो है बाइक बंद होता है, ये देखिए फुल टाइट किया मैंने, और जब मैं थोड़ा सा एक थोड़ी लूज करता हूँ तो बस
वही 3000 के स्पीड में आ जाता है, उससे ज़्यादा कम नहीं बढ़ता है। भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इतना ही रहेगा आरपीएम। हमने 2800 पे छोड़ा था, 2900 पे 100 मतलब जो है आरपीएम इधर हुआ है उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। चलो जैसे मैं आरपीएम कम कर देता हूँ, बाकी ज़्यादातर बता दूँ, जब भी मैरिज की दिक्कत आती है तो आपको बाहर से काम करना है, थोड़ा प्लग खोल के जो है इसके अंदर इंजन ऑयल डाल देना है, कंप्रेसर को बढ़ा देना है। स्पार्क प्लग खराब होता है, लगता है कि स्पार्क प्लग ठीक नहीं है तो आप चेंज कर दें, या फिर आप ध्यान दें कि हमारी गाड़ी अगर 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है तो स्पार्क प्लग आप चेंज कर दें। इस तरह की बाइक की तो माइलेज जो है बनी रहेगी हमेशा के लिए। एक सौ 125 cc बाइक का आरपीएम आप 1000 के आसपास में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 1000 पे है, ये 2000 होता है, 4000 होता है, 6000, 8000, 10000, 12000, इतना तक होता है। तो भाई मैंने बता दिया कि माइलेज किस तरीके से सेट करना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।